नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आ गई इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का समर्थन करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। करनाल के मिनी सचिवालय में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन लगातार जारी है। राकेश टिकैत बोले, आगे की रणनीति होगी तय, झुकना ही पड़ेगा खट्टर सरकार को। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 9 महीने से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन पिछले महीने पुलिस लाठीचार्ज की घटना को लेकर के किसानों ने न सिर्फ मिनी सचिवालय का घेराव किया है बल्कि उसे धरना स्थल भी बना दिया है। किसान वहां पर रात भर डटे रहे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मिनी सचिवालय में दे रहे धरने की यहां पर तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर साझा भी की हैं। और वहीं राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि अब आगे क्या करना है ये हम लोग बैठ करके जल्द ही तय करेंगे, आगे की रणनीति आप लोगों के सामने रखेंगे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से लगातार किसान डटे हुए हैं करनाल स्थित मिनी सचिवालय पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें, अभिषेक बनर्जी ने बढ़ाई है राजनीतिक सरगर्मी, कहा टीएमसी में आने की तैयारी में है 25 बीजेपी के विधायक। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी का लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर बुरा हाल होता जा रहा है, एक एक करके सभी नेता उसका साथ छोड़ रहे हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी के 4 विधायक अब तक टीएमसी में शामिल हो गए हैं। मुकुल रॉय सबसे पहले टीएमसी में लौटे थे, उसके बाद यहाँ पर यह सिलसिला अभी तक चालू है। और वहीं पिछले ही हफ्ते यहां पर बीजेपी के 3 विधायकों ने टीएमसी का दामन थामा। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में कम से कम 25 बीजेपी विधायक टीएमसी में शामिल होने की तैयारी में है। और वहीं इससे पहले आप लोगों को बताते चले, टीएमसी के नेता मुकुल रॉय ने भी ऐसा ही बयान दिया था और कहा था कि 24 से 25 विधायक यहां पर टीएमसी के संपर्क में है और बीजेपी से वो टीएमसी में यहां पर शामिल होंगे जल्द ही। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक एक करके सभी बीजेपी के विधायक टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पश्चिम बंगाल बीजेपी मुक्त होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें, विधानसभा चुनाव में चाचा शिवपाल को मिलेगा सम्मान, सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान से चढ़ा है राजनीतिक पारा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, विधानसभा चुनाव नजदीक है और समाजवादी पार्टी का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर किए गए एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा है कि शिवपाल सिंह यादव का दल छोटा है फिर भी उनका पूरा सम्मान होगा, सपा उनके लिए सीट छोड़ेगी। उन्होंने कहा है कि शिवपाल से उनकी फोन पर बातचीत होती है, भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस का राजनीतिक प्रकोष्ठ बताया है और कहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार ध्यान नहीं देना है, ध्यान विकास और रोजगार के मुद्दों पर देना है। उन्होंने बीजेपी को देश और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी करार दिया है। और वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, डीजल पेट्रोल सहित अन्य जरूरी सामान के दाम दोगुने जरूर हो गए हैं, पुलिस और फौज में नौकरी और रोजगार है नहीं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। ये यहां पर घेरा है योगी सरकार को अखिलेश यादव ने। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं, बिहार में चोर दरवाजे से लागू किया जा रहा है एनआरसी, बोले हैं असदुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि बिहार में चोर दरवाजे से एनआरसी लागू किया जा रहा है। ओवैसी ने किशनगंज के जिला दंडाधिकारी कार्यालय का एक पत्र शेयर करते हुए यह बड़ी बात कही है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, बिहार सरकार चोर दरवाजे से बिहार में एनआरसी लागू कर रही है। अधिकारी आम लोगों से कह रहे हैं कि वो आसपास रहने वाले विदेशी नागरिक और अवैध प्रवासियों की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। असम में भी ऐसे ही कानूनी कार्रवाई का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हुआ है। आप लोगों को बताते चलें, ओवैसी ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान कहा था कि कोई किसी को देश के बाहर नहीं करेगा, सब भारत के ही हैं, तो फिर चोर दरवाजे वाला एनआरसी क्यों लागू किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा, याद रखिए ऐसी नीति सिर्फ और सिर्फ समाज में मतभेद, शक और दुश्मनी फैलाने की वजह बनेगी, समाज में अमन को मजबूत करने के बजाय सरकार उसे कमजोर करने में लगी है। ये यहां पर कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
हरियाणा से दोस्तों खबर है, 25 सितंबर को एक मंच पर आएंगे चौटाला, मुलायम और नीतीश। तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास हुआ है तेज। आप लोगों को बताते चलें, इंडियन नेशनल लोक दल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला रिहाई के बाद से राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद के बीच वो अपने पिता और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर 25 सितंबर को हरियाणा के जींद में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, बिहार के सीएम एवं जेडीयू के नेता नीतीश कुमार, पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल को एक मंच पर लाएंगे। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। कृषि कानून, अनिल घनवट ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए सीजीआई एनवी रमन्ना को लिखा है पत्र। कहा मसला हल नहीं होने से दुखी। आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल से आंदोलन कर रहे किसानों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना को एक पत्र लिखा है। पत्र में अनिल घनवट ने कमेटी के द्वारा कृषि कानूनों को लेकर के दाखिल रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य रहे अनिल घनवट ने कहा है कि वह इस बात से बेहद ही दुखी है कि किसानों का मसला अभी तक सुलझ नहीं पाया है और वे आंदोलन लगातार कर रहे हैं। अनिल घनवट का कहना है कि ये दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस रिपोर्ट पर ध्यान ही नहीं दिया गया है, इसी कारण ये विवाद अब तक खत्म नहीं हो पाया है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। भाजपा ने विज्ञापन पर खर्च किए हैं 5800 करोड़ रुपए। आरजेडी बोली इतने में ना जाने कितने स्कूल और अस्पताल बन जाते। आप लोगों को बताते चलें, अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 2 राज्य सभी राजनीतिक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। इसमें से एक नाम उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए भाजपा के द्वारा पानी की तरह लगातार पैसा बहाया जा रहा है। हाल ही में भाजपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े होर्डिंग्स पूरे राज्य में लगाए हैं। इस बीच खबर सामने निकल के आई है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर के साल 2021 तक भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापनों पर ही लगभग 5800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। भाजपा के द्वारा चुनावी प्रचार प्रसार पर खर्च की गई इतनी बड़ी रकम पर विपक्षी दलों के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार की प्रमुख विपक्ष पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा पर हमला बोला है। आरजेडी ने कहा है कि 2014 से 2021 तक 7 साल में मोदी सरकार ने विज्ञापनों पर कुल 5749 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। कल्पना करिए, 5749 करोड़ में कितने विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, कॉलेज, हॉस्पिटल खुल सकते थे, लेकिन प्रचार मंत्री को तो मीडिया खरीद करके अपनी शान में झूठे कसीदे पढ़वाने हैं। अब भी समय है, नींद से जागिए। गौरतलब है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ था कि भारत में भारतीय जनता पार्टी इकलौता ऐसा राजनीतिक दल है जिसे सबसे ज्यादा चंदा मिलता है। पार्टी को ये चंदा कहां से आता है इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। भाजपा के द्वारा इन पैसों का इस्तेमाल बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार प्रसार किए जाने पर लगाया जाता है। विपक्षी दलों का कहना है कि भाजपा इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल अगर देश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का स्तर सुधारने में इस्तेमाल करे तो देश का विकास निश्चित तौर पर हो सकता है, लेकिन चुनावी प्रचार प्रसार में झूठे दावे कर जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जाता है बीजेपी के द्वारा। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी की फजीहत हुई है इस पूरे मामले पर। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट आ रही है सामने। कोरोना वायरस का कहर कल के मुकाबले आज एक बार फिर से बढ़े हैं मामले। बीते 24 घंटे में 37,875 नए केस, 369 मरीजों की गई है जान। आप लोगों को बताते चलें, देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कल के मुकाबले आज एक बार फिर से कोरोना के मामले यहां पर जबरदस्त बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 37,875 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और वहीं इसे एक दिन पहले 31,222 केस आए थे। ये यहाँ पर दोस्तों ताजा आंकड़े हैं और तीसरी लहर की यहाँ पर आहट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।